सावधान आ रहा है निसर्ग। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में आज पहुंचने वाले निसर्ग तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ और नेवी की टीमें तैनात हैं। मुंबई में हल्की बारिश शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में तूफान के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वो दो दिनों तक घरों से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग चक्रवात आज 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाराष्ट्र के अलीबाग पहुंचेगा। मुंबई और ग्रेटर मुंबई पुलिस ने आज दोपहर 12 बजे तक के लिए सार्वजनिक स्थानों और समुद्र के किनारे लोगों को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। निसर्ग तूफान को लेकर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी से बातचीत भी की है, हर संभव भरोसा दिया है मदद पहुंचाने का। तो ये स्थिति संकट में ना बदल जाए इसलिए पूरी कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री ने दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, महाराष्ट्र के सीएम से बातचीत की है और गुजरात के सीएम से बातचीत की है और हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया गया है। तो किस तरह की तैयारी है आप ये टीम की पेट्रोलिंग के जरिए देख सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है, उनको ब्रीफिंग की जा रही है। नेवी की टीम वहां पर तैनात है, निसर्ग तूफान से निपटने की तैयारी है। तो अभी हाल ही में अम्फान तूफान आया था और उसके बाद अब ये निसर्ग तूफान, जिससे बचने के लिए कोशिशें पहले ही शुरू कर दी गई हैं। तैयारी किस तरह की से आप देख सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है, नेवी की टीम तैनात है और लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। लोगों को कहा गया है कि आसपास ना आए, निसर्ग तूफान से निपटने की तैयारी है और हल्की बारिश भी अब महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। तो मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग चक्रवात आज 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाराष्ट्र के अलीबाग पहुंचेगा। मुंबई और ग्रेटर मुंबई पुलिस ने आज दोपहर 12 बजे तक के लिए सार्वजनिक स्थानों और समुद्र के किनारे लोगों के जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से एहसान अब्बास हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एहसान, क्या कुछ जानकारी, किस तरह की तैयारी? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को सलाह दी है कि क्योंकि चक्रवाती तूफान के खतरे के मद्देनजर लोग अगले दो दिनों तक घरों में ही रहे, अगर जरूरी काम ना हो तो बाहर न निकले। महाराष्ट्र भर में तकरीबन 20 एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। चूंकि 1 बजे के आसपास महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग से ये चक्रवाती तूफान टकराने की इसकी आशंका है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि चक्रवाती तूफान के टकराने के साथ ही इलाके में तेज बारिश होगी और 100 और 110 किलोमीटर के बीच जो है कि प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बह सकती हैं और ऐसे में किसी भी खतरे से बचने के लिए सरकार ने लगातार जो निचले इलाकों में लोग रह रहे थे, समुद्र तट की से सटे हुए इलाकों में रह रहे थे, उन लोगों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है। और इस बीच हेल्पलाइन भी सरकार ने जारी की है और न सिर्फ मुंबई फायर ब्रिगेड बल्कि अन्य नगर पालिकाओं के फायर ब्रिगेड को मुस्तैद किया गया है। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड्स लगातार अलर्ट पर है और केंद्र सरकार ने लगातार महाराष्ट्र सरकार को सारी मदद देने की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों की बातें महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी हुई है इस बाबत। ठीक है, दूसरे हफ्ते में देखें तो ये दूसरा तूफान है। पहले अम्फान ने कितना तबाही मचाई, पश्चिम बंगाल की बात करें, फिर पीएम वहां पर पहुंचे। अब ऐसे में यहां पर खुद प्रधानमंत्री संज्ञान में इस मुद्दे को लिए हुए हैं, वहां पर सीएम से बात की है। मुंबई के कितने जिले जो है वो अलर्ट पर है, महाराष्ट्र में कितना अलर्ट पर किया गया लोगों को, जो तटीय इलाके हैं वहां पर लोगों को प्रतिबंध कर दिए जाने के लिए? देखिए, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो समुद्री तट का जो इलाका है तकरीबन 720 किलोमीटर जो क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो समुद्री तटों से जुड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि चक्रवाती तूफान का सबसे बड़ा खतरा जो है वो रायगढ़ जिला है और रायगढ़ जिले के अलीबाग में ये तकरीबन 1 बजे के आसपास दोपहर में चक्रवाती तूफान के टकराने की मौसम विभाग आशंका जता रहा है। तो रायगढ़ जिले से सटा हुआ मुंबई है, मुंबई उपनगर जिला है, उसके अलावा ठाणे जिला है,
इन जिलों में महाराष्ट्र सरकार ने मुस्तैदी बरती है और इसीलिए मुंबई, पालघर और रायगढ़ जिलों में कुल 20 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। ठीक है, जो नगर पालिका है पूरे 3 जिलों की है उन्हें पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार खुद लगातार 24 घंटे निगरानी रख रही है और केंद्र सरकार की पूरी तरह से मदद भी इसमें ली गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।